हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब इस गर्मी में बहुत ही अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम पन्ना, या फिर इसे कहो आम की शरबत की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने लिया है 4 कच्चे आम। इसे मैं अच्छे से धो के रखी हूँ। सबसे पहले हम आम का ये जो ऊपरी हिस्से हैं, इसे हम काट के निकाल देते हैं। अभी हम इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से पहले हम आम में एक दो काट मार्क लगा लेते हैं। इस तरीके से चारों आम में हम काट मार्क लगा देते हैं, फिर हम इसे बॉईल कर लेंगे। आम को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में सबसे पहले हम आम को डाल देते हैं, फिर हम इसमें 1-2 ग्लास पानी डाल देंगे। साथ में हम थोड़ा नमक डाल देंगे और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे। आप आम को प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं 4 आम ली हूँ, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में बॉईल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा आम ले रहे हैं तो आप कुकर में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम अच्छे से बॉईल हो गया है। ये पहले से कलर चेंज हो गया है आम में। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के रख लेते हैं और हम इसे ठंड कर लेंगे। आम को हमने ठंड कर लिया है। आम का ठंड होते ही सबसे पहले हम इसका छिलका को आम से अलग कर लेते हैं। छिलका को अलग करने के बाद हम इसका पल्प को इस तरीके से स्पून से निकाल लेंगे। आप स्पून से या फिर नाइफ से भी आप इसे निकाल सकते हैं। और पल्प को निकालने के बाद हम छिलका को अलग कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे पल्प को आम से निकाल लेते हैं। सारे आम का पल्प को हम निकाल चुके हैं। अभी हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सी लेंगे। मिक्सी में हम पल्प को डाल देंगे और साथ में आम पन्ना को अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें चीनी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, और अगर आपको मिर्च पाउडर पसंद है तो आप इसमें मिर्च भी ले सकते हैं। ये सबको हम ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आम पन्ना का स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। आप इस पेस्ट को फ्रिज में बहुत दिन तक रख के इसे शरबत बना के पी सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास में सबसे पहले आप पुदीने के पत्ते को डाल दीजिए। फिर आप इसमें डाल दीजिए आइस क्यूब को और आम का मिक्सचर को आप 2-3 चम्मच डाल दीजिए। यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए। डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस आम पन्ना रेडी हो गया है। अगर आपको पुदीने पत्ता का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो जब आप पल्प को ग्राइंड करते हो मिक्सी में, उसी वक्त आप इसको डाल सकते हैं। ये आम पन्ना हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करिए। ये धूप में लू से बचाती है और पेट को बहुत ठंडक देती है। तो आप इसे घर में जरूर बनाइए और लू से बच के रहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे होते हैं। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।